हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेज ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी क्लास 9th बेस्ट लाइन टेस्ट विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं उसमें आज हम जानेंगे विज्ञान के आंसर के बारे में। मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो हमारा जो पार्ट ए है, पार्ट बी भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पार्ट ए का हम आंसर जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का आवश्यक घटक है? तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जी हां, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी आपके भोजन के आवश्यक घटक हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर नंबर डी मतलब कि द इसका राइट आंसर है। चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आ मतलब कि विटामिन डी। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा आ। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है पौधे की मुख्य जड़ कहलाती है। देखिए ऑप्शन आपके सामने, मूसल जड़, पार्श्व जड़ या रेशेदार जड़। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो यही होगा, स रेशेदार जड़। क्वेश्चन फोर है, पत्ती का विभाग जो तने से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है? तो इसका होगा आ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर होगा आ वाला। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन फाइव में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक घटक है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपने यहाँ पर देखा है सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर नंबर द उपरोक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जा लेते हैं क्वेश्चन सिक्स को। क्वेश्चन सिक्स है, पचे हुए भोजन का अवशेषण किस भाग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा द वाला। जी हाँ, पित्ताशय द्वारा। क्वेश्चन सिक्स का राइट आंसर होगा द। क्वेश्चन सेवन, रक्त में से हानिकारक पदार्थों का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर आपको मैं बता दूं, फेफड़ों द्वारा, ये होगा सा, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेवन। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर एट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर एट है, मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर होगा 37 डिग्री। ठीक है, ये 37 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। तो क्वेश्चन नाइन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर होगा अ कांच। ठीक है, जल, वायु, गत्ते का डिब्बा, ये राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नाइन का राइट आंसर है आ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर टेन, जल को जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका होगा वाष्पन, आ इसका राइट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इलेवन है। तो क्वेश्चन नंबर इलेवन में पूछा गया है ऐसा विलयन जिसमें एक अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अति संतृप्त विलयन, ये इसका होगा स वाला राइट आंसर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से क्या दही में उपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अम्ल। जी हां, आ। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा आ। स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो देखने को मिल जाएगी जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। पहले मैंने इंग्लिश की अपलोड कर दी है, आज मैं आप लोगों को साइंस की अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद और भी जो सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन चींटी के डंक से उपस्थित होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का राइट आंसर होगा आ, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा आ। ठीक है, मैं एक बार डबल से टिक कर दूं आ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 15, विद्युत घंटी कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आपका बा वाला। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव द्वारा। क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा द। अब देखते हैं क्वेश्चन 17, तो क्वेश्चन 17 है, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रकार पहुंचती है? तो ये होगा विकिरण, सा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का सा राइट आंसर है। इस वीडियो में डायरेक्टली आंसर आपको इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि सारे आंसर क्वेश्चन को मैं रीड करूंगा और ऑप्शन को रीड करूंगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर बताता जा रहा हूं। ठीक है, जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका राइट आंसर होगा सा वाला। क्वेश्चन 19, तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, 19 का आंसर होगा बा, बाईस का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 का हमारा आ वाला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21, अब पार्ट बी पे आ गया, ये हमारा पार्ट वन कंप्लीट हुआ, अब चले थे पार्ट बी। तो देखिए पार्ट बी में जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें पूछा गया है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैला जाता है? सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा वो होगा आ, मच्छर द्वारा। जी हाँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये टिक कर देता हूँ, मच्छर द्वारा। ठीक है, मलेरिया मच्छर के काटने से फैला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा आ। क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर होगा आ। ठीक है, क्वेश्चन 23 देखिए, क्वेश्चन 23 का आ राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का भी आ राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का आ राइट आंसर होगा। अब जा लेते क्वेश्चन 26, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मैं इस पर टिक कर दूँ। 26 है, तो 26 का राइट आंसर होगा आ। इसके बाद 27 का भी राइट आंसर होगा आपका आ।
आ जाते हैं 28 की तरफ। तो क्वेश्चन 28 है, तो 28 का भी जो राइट आंसर होगा वो आ गर्दन में। क्वेश्चन 29 है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? 29 है ये, इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, सी इसका सा मतलब राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 है, जल के शुद्धिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका होगा क्लोरीन। जी हाँ, जल को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए क्लोरीन इसमें मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा बा वाला। क्वेश्चन 30 था ये, ठीक है। 31 पे आ गए, 31 है, 31 में आपसे पूछा जा रहा है धातु में कौन सा गुण पाया होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, दा वाला है। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा आ। अब याद है क्वेश्चन 32, तो 32 का राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश, ये इसका दा वाला राइट आंसर है। 33 का राइट आंसर होगा द, ठीक है, ये 33 का राइट आंसर द। 34 को देख ले, 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आ वाला, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बल क्या है? देखिए बल क्या है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ये होता है उपरोक्त सभी, मतलब कि धक्का देना, खींचना, उठाना, ये इसमें सब में बल लगता है, ये सभी इसके करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हमारा 10 सही है। क्वेश्चन 36 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप नेट बल द्वारा संभावित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स वाला, ठीक है। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर होगा गति की विपरीत दिशा में, ये इसका ब वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो इसका ब वाला राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का निम्नलिखित में से किस घर्षण द्वारा आसानी से अवशित नहीं किया जा सकता? इसका तांबे की छड़, ये आपका बा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बा, ठीक है, दाब बराबर बल, ये इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 40, ठीक है। इस तरह से हमने एक से लेकर सारे जितने आपके 40 क्वेश्चन हैं सभी के आंसर आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए, सभी के आंसर मैंने आपको बता दिया। आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके टेस्ट चल रहे हैं, तो उस टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे बता सकते हैं कि आप इसके बाद आपको मैथ का चाहिए या फिर आपको सोशल साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हमारी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।